हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज ख़ान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर एट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग इंटरनेट ई एंड पी डी ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट सेकेंड रहेगा अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं को फाउंडर ऑफ एडोब आपको एडोब के को फाउंडर का नाम बताना है सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑर क्वेश्चन नंबर वन विल बी ऑप्शन बी दर जॉन वर्नॉक ओके फाउंडर ऑफ एडोब किसको माना जाता है डॉक्टर जॉन वर्नॉक को माना जाता है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या पॉइंट बन जाता है ही इज द पर्सन जिसने इन्वेंट किया था जिसने इन्वेंट किया था पीडीएफ को ठीक है और आपको पता है पीडीएफ हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है उस लिहाज से यह वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ओके अब अगर आप बाकी ऑप्शंस की बात करोगे टिम बर्नर्सली ये कौन है इसी ने इन्वेंट किया था डब्ल्यू को और अगर आप एलन ट्यूरिंग की बात करोगे एलन ट्यूरिंग क्या है इसको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स ओके और इसी ने ट्यूरिंग मशीन का मॉडल दिया था और इसी ने ट्यूरिंग टेस्ट भी दिया था ट्यूरिंग टेस्ट भी दिया था सो एलन ट्यूरिंग एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कंप्यूटर साइंस फील्ड में ओके okay. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में क्वेश्चन नंबर टू से इज दैट इन ईमेल द यूजर नेम एंड डोमेन नेम इज सेपरेटेड बाय। आपको बताना है जब भी हम कोई भी ईमेल क्रिएट करते हैं उसके दो पार्ट्स आते हैं वन इज यूजर नेम एंड अनदर इज डोमेन नेम यूजर नेम और डोमेन नेम को हम किस सिंबल से सेपरेट करते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टू विल बी ऑप्शन ए दैट इज एट द रेट ओके एट द रेट सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए एज एन एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर एक ई मेल क्रिएट करूंगा लेटर से खान एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो यहाँ पे ये जो जी मेल डॉट कॉम आ रहा है दिस इज ओवर डोमेन नेम और यहाँ पे जो खान आ रहा है दिस इज ओवर यूजर नेम और यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट किस सिंबल से हम करते हैं दैट इज एट द रेट सिंबल से होपफुली क्वेश्चन नंबर टू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वाई आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी सबसे पहले आपको पीओपी की फुल फॉर्म बतानी है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी ऑप्शन सी दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रखा ये वाला पॉइंट याद अब इसके रिगार्डिंग हमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स याद रख लेने हैं सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा पीओपी की फुल फॉर्म क्या है वो तो आपने याद रख लिया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अब ये किस लेयर पे हम इस्तेमाल करते हैं ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है इट इज द प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर और पीओपी हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं ये ईमेल्स में हम ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर लेते हैं किस पर्पज के लिए करते हैं मैं अभी बताऊंगा ओके अब अगर मैं आपको बताऊंगा पीओपी जो है इसका पहला वर्जन क्या था उसका नाम था पीओपी वन वन P -P का पहला वर्जन क्या था पी वन दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन वन और ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता था ओके okay? इसका पोर्ट नंबर क्या है इसका पोर्ट नंबर क्या है that is 110. तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखे होंगे और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं पीओपी वन का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए हम करते थे सो द करेक्ट आंसर वुड ये हम इस्तेमाल करते थे इन ऑर्डर टू फेच द ईमेल्स फ्रॉम द मेल बॉक्स ओपी वन हम किस परपज के लिए इस्तेमाल करते हैं इससे हम ई मेल्स को फैच कर पाते हैं फ्रॉम द मेल बॉक्स तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखे होंगे अब अगर हम आज के लेटे, इसके लेटेस्ट वर्जन पे जाएंगे करंटली <coughs> हम पी ओ पी का वर्जन थ्री इस्तेमाल करते हैं पीओ पी थ्री इस्तेमाल करते हैं दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री इसके रिलेटेड भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं सबसे पहले इसका पोर्ट नंबर क्या आता है इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अगेन एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और इसमें हमने क्या एडवांसमेंट लाई पी ओ पी थ्री की मदद से हम अपनी ई मेल्स को डाउनलोड भी कर पाते हैं और इनको हम बाद में ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं ये एडवांसमेंट आ गई किस में पी ओ पी थ्री में हम ई मेल्स को क्या कर पाते हैं डाउनलोड भी कर पाते हैं और बाद में ऑफलाइन भी हम उनको व्यू कर सकते हैं ठीक है ओके उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपने क्योंकि ये मेल के रिलेटेड ही प्रोटोकॉल्स हैं तो मेल में आपने एक और प्रोटोकॉल सुना ही होगा कभी ना कभी दैट इज एसएमटीपी मेल के रिगार्डिंग एस सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं एस एम टी फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यह किस पोर्ट नंबर पे काम करता है इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर ट्वेंटी फाइव और यह भी क्या है इट इज अगेन एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और एस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ठीक है ना एस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं मेल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए अब अगर आप चाहते हो कि आप मैसेज को या ई को सेंड भी करने चाहिए रिसीव भी करने चाहिए और साथ ही साथ डाउनलोड भी करने चाहिए तो आप क्या कर सकते हो आप एस को पेयर करवा सकते हो या मर्ज करवा सकते हो किसके साथ पी ओ पी थ्री के साथ ऐसी फंक्शनैलिटी भी हम ऐड कर सकते हैं एस एम टी पी में ठीक है तो होपफुली क्वेश्चन नंबर थ्री के रिगार्डिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखे होंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में क्वेश्चन नंबर फोर से इज अज दैट डाइज ऑप्शन अलाउज यूजर टू सेंड अ फाइल विथ ई अगर आपको एक फाइल भी सेंड करनी है ई के साथ उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं उसको हम सिंपली बोलते हैं अटैचमेंट ओके अगर आप कोई भी फाइल सेंड करना चाहते हो ई के साथ उसको हम क्या बोलते हैं अटैचमेंट जैसे आपको ई का फॉर्मेट पता ही होगा सबसे पहला पहला ऑप्शन क्या आता है फ्रॉम उसके बाद आता है टू उसके बाद कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी उसके बाद सब्जेक्ट आता है ओके okay. उसके बाद क्या आता है उसके बाद बॉडी आती है और लास्ट पे अगर हम कुछ फाइल भी सेंड करना चाहते हैं हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है थीके? ओके okay, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर फाइव दैट डिलीटेड ई मेल्स आर स्टोरड इन आपको बताना है जब भी हम किसी भी ई मेल को डिलीट कर लेते हैं तो वो बाई डिफॉल्ट किस फोल्डर में स्टोर हो जाती है सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑप्शन बी दैट इज थ्रैश फोल्डर ओके जैसे आप सपोज uh, अगर आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हो या एक डेस्कटॉप uh, यूज कर रहे हो जब भी आप वहाँ पे कोई भी फाइल कोई भी फोल्डर डिलीट करते हो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाता है रिसाइकल बिन में चला जाता है वैसे ही अगर हम डि डिलीट करेंगे ई को वो किस फोल्डर में चले जाते हैं थ्रैश फोल्डर में चले जाते हैं ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में क्वेश्चन नंबर सिक्स इज दैट डायजेस्ट ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट अगर आप एक मेल टाइप कर रहे हो आपने आधा ही मेल लिखा ओके okay, सपोज आपको कुछ काम पड़ गया ठीक है आपने वो मेल अभी सेंड नहीं किया तो उस मेल को आप क्या कर सकते हो उसको आप सेव कर सकते हो एज वट उसको हम सेव कर सकते हैं एज ड्राफ्ट सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सिक्स तो होपफुली ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखा होगा इनबॉक्स में क्या होता है इनबॉक्स में जितनी भी हमारी इनकमिंग मेल्स होती है वो किस में होती है इन In, इनबॉक्स uh, में होती है सेंट में क्या होता है जितने भी हमने मेल सेंड किए हुए होते हैं आउट गोइंग मेल्स होती हैं, वो किस में आते हैं आइटम्स uh, में आ जाती है और थ्रैश में क्या जाता है थ्रैश में क्या होता है हमारे डिलीटेड डिलीटेड ई होती है ठीक है और ड्राफ्ट में क्या होता है अनफिनिश्ड ई होती है जिनको हम सेव करना चाहते हैं जो अभी तक हमने सेंड नहीं की है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ई आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ई को सेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर हम ई को सेंड नहीं कर सकते हैं आपको ये पता होगी कि बॉडी के बगैर हम ई को सेंड कर सकते हैं आराम से सब्जेक्ट के बगैर भी हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं और अटैचमेंट के बगैर भी हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्शन बी दैट इज सेंडर ईमेल आईडी। अगर आपके अगर आपने सेंडर का ई मेल आई नहीं करके रखा हुआ है तो आपको आ, वो अलाउ नहीं करेगा ई सेंड करने के लिए आप ई सिंपली सेंड ही नहीं कर पाओगे ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में क्वेश्चन नंबर एट से इज अज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इज नॉट लेजिटिमेट चैनल आपको बताना है नीचे दिए गए हुए चार ऑप्शंस में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड ऐसा है जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि एक लेजिटिमेट चैनल नहीं है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एट विल बी ऑप्शन डी दैट इज डबल डुप्लेक्स डबल डुप्लेक्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है हमने सिम्प्लिक्स देखा था लेक्चर नंबर टू में हाफ डुप्लेक्स भी देखा था और फुल डुप्लेक्स भी देखा था अगर मैं आपको यहीं पे दोबारा से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ये हमारा सेंडर और ये हमारा रिसीवर सिम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं डेटा फ्लो करता है खाली एक डायरेक्शन में ओके हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है लेकिन वन एट अ टाइम और डबल डुप्लेक्स में हम क्या करते हैं डेटा दोनों डायरेक्शन में कभी भी फ्लो कर सकता है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में क्वेश्चन नंबर नाइन सीज एस दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब हो गया सिंपली हमने सिस्टम्स को किस पैटर्न पे कनेक्ट करके रखा हुआ है रिंग के फॉर्म में अगर आप देखोगे रिंग में हम क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल रिंग में हम क्या करते हैं हम सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं ओके okay, इस तरीके से तो ये एक रिंग की शेप बना लेता है दैट इज वाई दिस टोपोलॉजी इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी वैसे अगर आप स्टार देखोगे स्टार में हमने क्या किया हुआ होता है बीच में एक सेंट्रल नोड रखा हुआ होता है और इसी के साथ हमने बाकी सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखा हुआ होता है इस पैटर्न पे ठीक है और बस में क्या होता है एक बैकबोन uh, वायर का हम इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ हम क्या करते हैं सिस्टम्स को uh, ऐसे करके कनेक्ट करके रख सकते हैं ठीक है ओके तो इनको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज मतलब टोपोलॉजी सिंपली मतलब हो गया कि हमने अपने सिस्टम्स को किस पैटर्न पे कनेक्ट करके रखा हुआ है ठीक है अब इनकी अपनी अपनी डिटेल्स भी है स्टार रिंग बस और भी हमारे पास कुछ और टोपोलॉजीज uh, होती है लाइक like मैश भी एक काफ़ी पॉपुलर टोपोलॉजी है वैसे ही हमारे पास हाइब्रिड भी एक टोपोलॉजी होती है ठीक है ना? हाइब्रिड भी होती है वो वी हैव मनी नेटवर्क टोपोलॉजीज अब आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर नाइन विल बी ऑप्शन सी दैट इज़ पीर टू पीयर पीर टू पीर नाम की कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे इसी uh, के रिगार्डिंग ये जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती है इसको हम किस लेयर पे यूज़ करते हैं नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजीज आर यूज इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल सो द आंसर इज फिजिकल लेयर द आंसर इज फिजिकल लेयर ठीक है uh, so, ना फिजिकल लेयर पे हम क्या करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स वो भी हम फिजिकल लेयर पे ही इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रांसमिशन मोड ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में क्वेश्चन नंबर टेन दैट विच अमंग द फॉलोइंग आई एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा क्लास ए आई एड्रेस है सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा जब भी आपको किसी भी आईपी एड्रेस का क्लास आइडेंटिफाई करना होगा तो आपको खाली पहली आर्ट बिट्स यानी कि पहले ऑक्टेट का वैल्यू चेक करना होता है पहले ऑक्टेट का वैल्यू चेक करना होता है और पहले ऑक्टेट के वैल्यू से ही आपको पता चल जाती है कि यह किस क्लास में बिलोंग करता है अगर हम रेंज की बात करेंगे तो क्लास ए का रेंज क्या रहता है क्लास ए का रेंज रहता है वन uh, से लेके वन से लेके वन ट्वेंटी सिक्स तक क्लास बी का रेंज क्या रहता है 128 से लेके 191 तक क्लास सी का रेंज क्या रहता है 192 से लेके 223 तक क्लास डी का रेंज क्या रहता है 224 से लेके 239 तक और ऐसे ही क्लास ई e का रेंज क्या रहता है 240 से लेके 255 तक अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लास ए की रेंज में कौन आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन ए वन ट्वेंटी वन ठीक है ना ये क्लास ए के रेंज में आ रहा है और हमें यही बताया जा रहा था कि क्लास ए की रेंज में यहाँ पे कौन सा आई एड्रेस आ रहा है सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर 130 थर्टी किस की रेंज में आ रहा है क्लास बी की रेंज में आ रहा है 130 uh, 193 किस रेंज में आ रहा है क्लास सी की रेंज में आ रहा है और अगर आप देखोगे क्लास ऑप्शन नंबर डी टू सिक्सटी यहाँ पे आ रहा है तो हाइस्ट वैल्यू क्या आ रहा है रेंज का टू फिफ्टी फाइव और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है टू सिक्सटी सो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है ये एक इन वैलिड आई पी एड्रेस है इन वैलिड आई पी एड्रेस ठीक है क्योंकि इसका वैल्यू जो है पहले ऑक्टेट का वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है इसीलिए ये क्या बन जाता है एक इनवैलिड आईपी एड्रेस बन जाता है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन के बारे में क्वेश्चन नंबर इलेवन से दैट विच क्लास ऑफ आई पी एड्रेस एलोकेट एड बिट्स टू होस्ट आई डी पार्ट ये पॉइंट भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था रिपीट कर लेते हैं एक बार मैंने आपको बताया था जब भी हम क्लास ए की बात करेंगे नेटवर्क आई डी के लिए इसमें हम दो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वन इज़ नेटवर्क आई डी एंड अनदर इज होस्ट आई डी ठीक है ना होस्ट आई डी ओके अब अगर आप क्लास ए की बात करोगे क्लास ए में क्या होता है आठ बिट्स हमने रिजर्व करके रखी हुई होती है नेटवर्क आईडी के लिए ट्वेंटी रिजर्व करके रखी हुई होती है होस्ट आईडी के लिए क्लास बी की अगर बात करोगे यहाँ पे हमने क्या किया हुआ होता है सिक्सटीन बिट्स रिजर्व होती है नेटवर्क आई के लिए और सिक्सटीन बिट्स रिजर्व होती है होस्ट आई के लिए क्लास सी की अगर बात करोगे यहाँ पे क्या होता है रिजर्व रिजर्व होती होती है है नेटवर्क आईडी के लिए और बिट्स किसके लिए होस्ट आईडी के लिए अब आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो विच क्लास ऑफ आई पी एड्रेस एलोकेट एड बिट्स टू होस्ट आई डी पार्ट तो होस्ट आई डी पार्ट में आपको कहाँ पे एड बिट्स देखने को मिल रही है द करेक्ट आंसर ऑफ ओवर क्वेश्चन नंबर अलेवन इज ऑप्शन सी दैट इज क्लास सी आई पी एड्रेस क्लास सी आई एड्रेस में हमने नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स रखी हुई होती है और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स रखी हुई होती है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दियर स्पीड ट्रांसमिशन रेट इन असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है उससे ज्यादा स्पीड किसकी होती है और उससे ज्यादा स्पीड किसकी होती है ये जितनी भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे आ रही है केबल ट्विस्टेड पेयर एंड गाइडेड मीडिया इनको हम क्या बोलते हैं दे आर द गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड मतलब हो गया वायर्ड ओके जहाँ पे हम ट्रांसमिशन करते हैं थ्रू वायर्स ओके okay? तो सबसे ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सबसे कम स्पीड होती है कॉक्शल केबल की उससे ज्यादा स्पीड होती है ट्विस्टेड पेयर की और उससे भी ज्यादा स्पीड किसकी होती है ऑप्टिकल फाइबर की और ये पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है अब अगर हम इनकी रफ स्पीड्स के बारे में बात करेंगे कोएक्शल की कोएक्शल uh, केबल की जो स्पीड होती है ना वो जनरली टेन एम तक होती है ओके ट्विस्टेड पेयर की जो स्पीड होती है वो हंड्रेड से लेके थाउजेंड एम तक होती है और अगर आप देखोगे ऑप्टिकल uh, फाइबर की तो ये टू जी तक इसकी स्पीड होती है ठीक है ना तो होपफुली ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखा होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेट डब्ल्यू ए पी डब्ल्यू ए पी स्टैंड फॉर ओके वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू ए पी सो द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एज इट इज आपको याद रख लेना है बिकॉज आपको पता है एस एस बी में बहुत सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग आते हैं ठीक है तो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थर्टीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बारे में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से इज अज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन आपको बताना है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है क्या याहू सर्च इंजन है यस yes, एग्जैक्टली exactly, याहू तो सर्च इंजन है बिंग भी एक सर्च इंजन है तो यही से आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए दैट गो भी क्या होगा ये भी एक सर्च इंजन ही होगा सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ ओके अब हम क्या करेंगे अब हम बाकी ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग विद दक द गो ओके okay, दग दग गो जो है ना ये भी क्या है ये भी एक सर्च इंजन है और ये किसने क्रिएट किया था इट वॉज क्रिएटेड बाई उस बंदे का नाम था गैब्रियल गैब्रियल वैनबर्ग जो दग दग गो आ, सर्च इंजन है ना इसको क्रिएट किया था गैब्रियल वैनबर्ग ने ठीक है अब अगर हम दूसरी ऑप्शन की बात करेंगे बिंग की बात करेंगे तो बिंग जो सर्च इंजन है है ना ये किन का प्रोडक्ट है ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ठीक है ना माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वैसे ही अगर आप देखोगे याहू याहू क्या है याहू भी एक सर्च इंजन ही है ठीक है ना अब अगर हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे याहू की अपनी एक फुल फॉर्म है दैट इज यट अन हेरारिकल, ऑफिशियस ऑरेकल, ठीक है ना तो याहू की फुल फॉर्म आप याद रखोगे yet अनदर हेरारिकल, ऑफिशियस ऑरेकल, और इसको आ, इसका फाउंडर अगर अब मैं आपको बताऊंगा हु इज द फाउंडर ऑफ याहू याहू का फाउंडर कौन है तो इसके फाउंडर्स दो हैं वन इज जेरी एंग एंड सेकंड इज डेविड फिलो डेविड फिलो और 1994 के आसपास इन्होंने क्या किया था याहू सर्च इंजन बनाया था ओके okay? तो होपफुली याहू के रिलेटेड भी आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे बिंग भी आपको याद रहा होगा दगद दग गो भी आपको याद रहा होगा ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जंक और अनसोलिसाइटेड मैसेज सेंड थ्रू ई मेल और कॉल्ड आपको बताना है जो भी हमारे पास अनवॉन्टेड मैसेजेस आती है या ई मेल्स आती है उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम सिंपली बोलते हैं स्पैम ओके सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एज इट इज आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट द वैलिड टर्मस फाइन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो आप आराम से एक गैस भी लगा सकते हो द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी दैट इज गूगल मैप्स गूगल मैप्स ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से इज अज दैट इंटरनेट एक्सप्लोर इज आपको बताना है इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है इज इट अ कंपनी इज इट एन इंटरनेट इज इट अ सर्च इंजन और इज इट अ वेब ब्राउजर सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज वेब ब्राउजर इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर ठीक है ना ऐसे करके सो इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है ये एक वेब ब्राउजर है और ये भी किन का वेब ब्राउजर है इट इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड एक और प्रोटोकॉल हमें देखने को मिल रहा है वट इज दैट दैट इज आई एम ए पी ओके अब ये हमें डेफिनेशन समझा रहा है दैट स्टोर्स ई मेल मैसेज ऑन द मेल सर्वर एंड अलाउज एंड यूजर्स टू व्यू एंड मैनिपुलेट द मैसेज आई एम ए पी क्या है ये एक ई मेल प्रोटोकॉल है जो हमें Uh, क्या कर इसे हम क्या कर पाते हैं इसे हम अपनी ईमेल्स को स्टोर कर पाते हैं सेव कर पाते हैं मेल सर्वर के ऊपर और यह हमें अलाउ करता है एंड यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कभी भी अपनी ईमेल्स को व्यू कर सकते हैं देख सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं ओके okay? अब आपको क्या बताना है आई एम ए पी स्टैंड फॉर अब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है आई एम ए पी की फुल फॉर्म व्हाट इज दैट दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर दैट सफारी फर्स्ट बाय एप्पल सबसे पहले आपको याद रखना है कि सफारी फर्स्ट है क्या इट इज सिंपली अ वेब ब्राउजर यह क्या है एक वेब ब्राउजर है और यह किन का वेब ब्राउजर है एप्पल का और आपको यही बताना है कि सफारी फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है एप्पल ने इसको कब रिलीज किया था सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर इज ऑप्शन बी दैट इज टू ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज दैट हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट क्योंकि इंटरनेट हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है तो आपको इसका फादर कौन है वो भी पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट चार्जिस बेबेज तो नहीं है चार्लिस बेबेज को क्या माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था डब्ल्यू 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 को इन्वेंट uh, uh, किया था सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विल बी ऑप्शन सी दैट इज वट सिर्फ सिर्फ को क्या माना जाता है फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है असल में इसका एक्चुअल पूरा नाम क्या था दैट वॉज विंटन ग्रे सिर्फ ठीक है ना अब आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिखेगा इसके रिलेटेड आप उसको टिक करके आ सकते हो वेंट सिर्फ या वेंट एंड ग्रे सिर्फ इज द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंटरनेट आप इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट लेकिन कहाँ पे इन इंडिया हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया सो द करेक्ट ऑप्शन डी दैट इज बिजेंद्र कुमार सिंगाल ठीक है ना ओके ऑप्शन नंबर डी विल वु हैव बीन द करेक्ट आंसर अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से इज अज दैट हु इज़ द फादर ऑफ ई मेल अगेन ई मेल हमारे टॉप सेलेबस uh, uh, का एक टॉपिक है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका भी फादर कौन है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज ऑप्शन ए दैट इज रे टॉम्लिंसन रे टॉमलिस्न इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ई मेल टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था चार्लिस बबेज ने क्या किया था अभी अभी मैंने आपको बताया था अब अगर हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से मैनिपुलेट करेंगे हु इज द फादर ऑफ ई मेल इन इंडिया हु इज़ द फादर ऑफ ई मेल इन इंडिया द करेक्ट आंसर वुड है ऑप्शन डी दैट इज़ शिवा ठीक है ना शिवा इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपको बताया जाएगा हु इज़ द फादर ऑफ़ ई मेल इन इंडिया दैट इज शिवा अगर आपको कोई बताएगा हु इज़ द फादर ऑफ़ ई मेल सो वो किस को माना जाता है रे टॉमलिंसन को ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के बारे में विच वेब ब्राउजर वॉज डेवलपड बाई गूगल आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर गूगल ने डेवलप किया था आपको पता है क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोर भी क्या है एक वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स भी क्या है एक वेब ब्राउजर है और सफारी भी क्या है एक वेब ब्राउजर है।, है? है लेकिन आपको बताना है कि इन चार वेब ब्राउजर्स में से गूगल ने किसको डेवलप किया था सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज क्रोम ओके okay. क्रोम किन का प्रोडक्ट है गूगल का और इंटरनेट एक्सप्लोरर किन का प्रोडक्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट का है मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसी लेक्चर में और अगर आप देखोगे फायरफॉक्स किन का प्रोडक्ट है इसका नाम ही आता है मोजिला ठीक है ना तो ये मोजिला फाउंडेशन का है ये मोजिला फाउंडेशन का है इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोजिला फायरफॉक्स और सफारी किन का प्रोडक्ट है मैंने अभी, अभी अभी आपको बताया ये एप्पल का है एप्पल का वेब ब्राउजर है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से इज अज दैट वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड आपको बताना है जब भी हम लॉग इन uh, करते हैं वहां पे हमें नेम मेंशन करना पड़ता है और पासवर्ड मेंशन करना पड़ता है आपको बताना है उस वेरिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज ऑप्शन डी दैट इज ऑथेंटिकेशन ओके ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अब आप मुझे इस वर्ड की मीनिंग बताओगे वट डू वी मीन बाई एथोराइजेशन कॉमेंट सेक्शन में आप मैंशन करके बताओगे ये दो टर्म्स काफ़ी पॉपुलर होती है और इनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है ऑथेंटिकेशन क्या होता है और अथोराइजेशन क्या होता है ऑथेंटिकेशन तो मैंने आपको बताया जब हम वेरिफिकेशन करते हैं थ्रू लॉग इन पासवर्ड ठीक है आ, उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन अब आपका काम रहेगा एथोराइजेशन बोलना कि अथोराइजेशन क्या होता है ओके okay. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के बारे में आई एस डी एन स्टैंड्स फॉर आपको बताना है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई एस डी एन एज इट इज आपको पॉइंट याद रख लेना है द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विल बी ऑप्शन बी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ठीक है आपको पता है जेके एस एस बी बहुत बार एब्रीवेशन पे क्वेश्चन पूछता है तो उस लिहाज से यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आई एस डी एन की फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगेन एन एब्रीवेशन एक्सएमएल स्टैंड फॉर आपको बताना है एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विल बी अगेन ऑप्शन बी दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ठीक है ना एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में ओके okay, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर गुड बाय